बता दें, न्यू सिटी इंटरनेशनल स्कूल की वैन में आग लगने का मामला सामने आया है। बच्चों से भरी वैन में आग लगी, परिजनों का आरोप लापरवाही से हुआ हादसा। मोहनलालगंज के गौरा कॉलोनी में स्कूल है जहां स्कूल वैन में आग लगने का मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भीषण आग की लपटों से पूरी वैन घिरी हुई है और बच्चे मौजूद थे इस वैन में जब इसमें आग लगी। न्यू सिटी इंटरनेशनल स्कूल की वैन है ये जिसमें आग लगने का मामला सामने आया है। परिजनों ने साफ तौर पर स्कूल प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि लापरवाही की वजह से इतनी भीषण आग गाड़ी में लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव टुडे की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। स्कूल वैन में आग लगने का मामला सामने आया जिसमें बच्चे मौजूद थे। शिवा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शिवा, स्कूल वैन में आग लगने का मामला सामने आया है, कहा जा रहा है बच्चे भी इस वैन में मौजूद थे, पूरा मामला क्या है? शिवा, जाना चाहेंगे डिटेल्स। देखिए हिना, ये न्यू सिटी इंटरनेशनल स्कूल की जो वैन है उसमें आग लगी है। आग किन परिस्थितियों में किस वजह से लगी है तो जांच का विषय है, लेकिन बड़ी घटना थी। घटना में बिल्कुल कोई भी हताहत नहीं हुआ है। यह कहा जा सकता है कि जो बच्चे थे वो बाल बाल वहां पर से निकल गए थे, क्योंकि जब धुआं उठा था वैन पे तभी ड्राइवर ने बच्चों को बाहर निकाल लिया था, लेकिन जो उसके अंदर स्कूल बैग थे, जो उनकी बॉटल्स थी, जो लंच बॉक्स थे, वो उसके वैन के अंदर थे। लिहाजा देखते ही देखते वैन जो थी वो आग का गोला बन गई और वो लपटे जो थी पूरी वैन को अपनी चपेट में ले ली थी। फिलहाल बच्चे पूरी तरीके सुरक्षित है। न्यू सिटी इंटरनेशनल स्कूल की वो वैन बताई जा रही है। कोई भी बच्चा इसमें इस हादसे में हताहत नहीं हुआ है, लिहाजा ये कहा जा सकता है किसी की भी न जान गई ना किसी को खरोंच आई है। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के गौरी कॉलोनी की घटना है। अब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है, पूरी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन किन परिस्थितियों में आग लगी, क्या वो शॉर्ट सर्किट की वजह थी, क्या वो एलपीजी गैस का लीकेज था, इस बात की जांच की जाएगी। अगर एलपीजी लीकेज था तो इस बात को भी इस चीज को सही कराना होगा कि जो स्कूलों में जो वैनें चलती है उनपे जो एलपीजी गैस की जो किट लगी होती है, जो सीएनजी किट लगी होती है, वो सही तरीके से काम करे, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसकी जो लगाई होती है वो लगवाई जाए। फिलहाल बड़ी घटना है, लेकिन सबसे अच्छी बात और राहत की बात यह है कि इस पूरी घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित है। शिवा, जैसे कि आपने बताया कि ड्राइवर के क्विक रिस्पांस की वजह से बच्चे तो सुरक्षित है, लेकिन इस हादसे में बड़ा नुकसान भी हो सकता था, बच्चों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था, कोई हताहत भी हो सकता था। लापरवाही किसकी है इस पूरे मामले में, क्योंकि स्कूल वैन का उपयोग तमाम हजारों लाखों बच्चे करते हैं और अगर इस तरीके की लापरवाहियां बरती जाएंगी तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल ही ना, एक हाल ही में घटना हुई थी एक जिले में जिसमें स्कूली वैन में आग लग गई थी, उसमें कुछ बच्चे भी हताहत हुए थे, फिलहाल किसी की मौत नहीं हुई थी। उसके बाद से लगभग पूरे यूपी में एक अभियान चलाया गया था कि जितने भी उनकी सीएनजी किट लगी हुई है प्रॉपर तरीके से लगी हुई है, प्रॉपर तरीके से वर्क करती है, अगर इंसिडेंटली अगर उसमें कोई घटना होती तो उस पर काबू पकड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अभियान जो है वो कुछ ही दिनों तक चलता है और उसी तरीके से ढर्रे पे आ जाता है। ये कहा जा सकता है कि जो ड्राइवर था उसकी बड़ी सतर्कता थी, क्योंकि वो जो गौरी कॉलोनी है वो एक सुनसान इलाका है, यानी कि आवासीय कॉलोनी नहीं है, बहुत ज्यादा वो उधर खेत पड़ते हैं, लिहाजा जब ये आग लगी थी तो ड्राइवर की ही सतर्कता से सारे बच्चे बाहर निकाले गए। वैन का गेट खोलने के बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जो सीटों के बीच में फंसे हुए थे, क्योंकि लगभग देखा जाता है कि ना सिर्फ लखनऊ बल्कि छोटे जिलों में भी देखा जाता है कि वैन में बहुत ज्यादा, मतलब मानक से ज्यादा बच्चे जो है वो भरकर ले जाए जाते हैं और उनको इस घर से लेकर के स्कूल छोड़ने तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो की जाती है। ये कहा जा सकता है कि मानकों की जो अनदेखी है वो स्कूल प्रशासन से लेकर ड्राइवर तक की जाती है। आग किन परिस्थितियों में लगी, कैसे लगी, क्या वजह थी, किसका जवाबदेही थी, ये फिलहाल पुलिस तय करेगी, ये फिलहाल दमकल विभाग की जो ऑडिट उनकी टीम होगी वो तय करेगी। फिलहाल अब ये एक अभियान चलाना जरूरी हो जाएगा स्कूल की तरफ से कि स्कूल की जितनी भी जो वैनें चलती है उनके प्रॉपर तरीके से किट जो है वो लगी है कि नहीं लगी है, अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उस पर तुरंत किस तरीके के शिवा हादसा हो गया है तो अब तमाम निर्देश जारी होंगे, तमाम लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन बड़ा हादसा है और कोई भी हताहत हो सकता था, प्रशासन को कहीं ना कहीं सचेत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।